कारण क्या होता है। करंट ऐसी कोई खास चीज नहीं है और खास चीज भी है जिसको हम आई से रिमूव करेंगे। आई मीन्स करंट, और इसके जो यूनिट होंगे वो एम्पियर में होंगे, उसको हम ए से रिमूव करेंगे। एम्पियर, एम्पियर होते यूनिट ऑफ करंट। नाउ कम टू द डेफिनेशन, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो करंट की डेफिनेशन क्या है? इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ करंट। करंट की डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसका मतलब हुआ कि रेट का मतलब है टाइम पर यूनिट टाइम, यानी हम टाइम से डिवाइड करेंगे। इसको कौन फ्लो कर रहा है? फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज फ्लो कर रहा है, यानी चार्ज फ्लो कर रहा है इन द गिवन टाइम, उसको बोलेंगे हम करंट। सो करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी चार्ज पर यूनिट टाइम। अब बात करते हैं कि चार्ज, हमारे पास जो चार्ज है वो दो टाइप के होंगे। एक तो होगा प्लस चार्ज, एक होगा नेगेटिव चार्ज। जनरली फिजिक्स में हम चार्ज को क्यों से डिनोट कर रहे हैं। अगर छोटा चार्ज है तो स्मॉल क्यों हो जाएगा, बहुत बड़ा चार्ज है तो उसको हम कैपिटल क्यों बोलेंगे। ओके, एंड चार्ज की बात करें तो चार्ज जो प्लस चार्ज है, अगर दो प्लस चार्ज है ये दोनों रिपेल करेंगे एक दूसरे को। अगर ऑपोजिट चार्ज है ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। ओके, और फील्ड की बात करें, फील्ड जो प्लस चार्ज है ठीक है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब इसका क्या मतलब हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि चार्ज है उसकी कुछ ना कुछ फोर्स होगी कुछ एरिया तक, कुछ रीजन तक। मान लेते हैं ये छोटा सा एक प्लस चार्ज ले लिया है ठीक है, अब हम क्या करते हैं एक और प्लस क्यू चार्ज यहां पे ले आते हैं इस पोजीशन पे। ओके, तो ये वाला प्लस चार्ज इस क्यू चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा जो कि इस क्यू चार्ज को दूर भगाएगा, रिपल्सिव फोर्स होगी। दोनों सेम नेचर के हैं तो दोनों रिपल्सिव फोर्स होगी। ओके, अब इस फील्ड का मतलब क्या है? जैसे आप क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट में क्या है कि ये आपके पिच है, ये आपकी बाउंड्री है, इसके अंदर अंदर बॉल कहीं भी जाए तो स्कोर मिलेगा या आप आउट कर सकते हो या रोक सकते हो, लेकिन इस बाउंड्री के बाहर आप रोक नहीं सकते, ये लगना चाहिए। तो यानी इस क्रिकेट की फील्ड कहां तक है? यहां तक है, जहां तक हमने कुछ रूल्स सेट कर दिए हैं कि गेंद अगर यहां पर जाएगी हमें स्कोर है ना, यहां से भाग सकते हैं। इसके जो प्लेयर है वो इसी के अंदर भाग सकता है, इसके बाहर नहीं भाग सकता। वैसे ही प्लस चार्ज है उसका जो फील्ड होता है, फील्ड का मतलब उसकी जो फोर्स महसूस होगी वो कहां तक होगी? जहां तक उसका इफेक्ट रहेगा। मान लेते हैं यहां तक उसका इफेक्ट है, तो यहां इसके बाद अगर मैं कोई प्लस के ऊपर चार्ज रखता हूं तो उसके ऊपर इसका कोई असर नहीं होगा, ना तो वो रिपेल होगा अगर माइनस चार्ज है, ना ही वो अटैक होगा। ओके, आई जस्ट रिपीट कि करंट में क्या है, हम उसको आई से नोट करते हैं और उसका यूनिट एम्पियर होता है। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन में रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जो चार्ज फ्लो करेंगे प्लस चार्ज फ्लो करेंगे या नेगेटिव चार्ज फ्लो करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पर यूनिट टाइम कितने समय में कितना चार्ज फ्लो किया वो करंट है। ओके, तो यहां पे चार्ज की बात होगी, चार्ज दो टाइप के हैं, एक प्लस चार्ज है एक माइनस चार्ज है। प्लस चार्ज रिपेल करते हैं, माइनस चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, ये उसका फील्ड है। प्लस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ दायरे तक होगा जहां तक उसकी फोर्स को महसूस किया जा सकता है कि या तो वो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। ओके, और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होती है प्लस चार्ज की, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अंदर की तरफ होती है। गॉट माय पॉइंट? ठीक है, तो अभी करंट ये समझ।